बाबूजी, क्या आज 25 नवंबर की रात है? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। मैंने बामुश्किल तमाम अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, जी बाबा, आज 25 नवंबर की रात ही है, क्या होता है इस रात को? इसने घबरा कर इधर उधर देखा और कांपती आवाज़ में बोला, हर 25 नवंबर की रात को वो आती है। मेरी बहू सही तो कहती है, मुझ बुढ़े को कुछ याद नहीं रहता। राम राम बाबू, ये कहकर वो जवानों की रफ्तार से मुझे हैरान छोड़कर दूर चला गया। चांद की गालिबन 13 तारीख थी। पूरा स्टेशन चांदनी में नहाया हुआ मालूम हो रहा था। सिगरेट सुलगा कर मैं एक बार फिर अपनी पुराने वाली बेंच पर आ गया। मेरी नज़रें एक बार फिर इस काले कपड़ों वाली की तलाश में इधर उधर घूमती रहीं, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। मैंने सिगरेट ख़त्म की और बैग को तकिया बनाकर बेंच पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा ने मुझे फौरन ही थपकियां देकर सुला दिया। मैं ना जाने कितनी देर सोता रहा। अचानक गाड़ी की तेज़ विसम और ब्रेकों की आवाज़ ने मुझे हड़बड़ा कर उठा दिया। स्टेशन पर बदस्तूर हुका आलम था और स्टेशन की घड़ी 12:05 का वक्त बता रही थी। मैं जल्दी से बैग उठाकर ऐन अपने सामने वाली बोगी में दाखिल हो गया। मेरे सीट तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी ने रिंगना शुरू कर दिया और लम्हा बलम्हा इसकी रफ्तार में इजाफा होने लगा। पूरी बोगी में सिर्फ एक जर्द रंगत का बल्ब रोशन था, जो किसी खराबी के बायस कभी बहुत तेज़ हो जाता और कभी बिल्कुल धीमा। मेरे अलावा बोगी में कोई नहीं था, मगर ना जाने मुझे क्यों इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अलावा बोगी ही में नहीं पूरी रेलगाड़ी में कोई नहीं है। अपने इस अहमकाना ख्याल को झटकते हुए मैंने खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बाहर रात की काली चादर पर चांद का थाल चमक रहा था, जो मेरा साथ छोड़ने पर आमादा दिखाई ना दे रहा था। मैं काफ़ी देर तक अपने आसमानी हमराही से राजो न्याज करता रहा। अचानक मुझे डब्बे में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ और मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं ना चाहते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता पलटा। मैं ज़िंदगी में कई मरतबा खौफजदा हुआ हूँ। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तन तनहा रात के वक्त घने जंगलात में क़याम और बरसात की सर्द रातों में पहाड़ों के अंधेरे वारों में पनाह लेते वक्त मुतअद्दिद बार कलेजा मुँह को आया है, मगर जो मंजर मैंने अपने सामने वाली सीट के इंतहाई बाएं जानिब देखा वो पिछले तमाम खौफों को भुला देने वाला और इतना गैर मुतवक्का था कि मारे खौफ के मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी नंगी पीठ पर कोई बर्फीली सलाख फेर दी हो। मेरी सीट के बाएं जानिब काले कपड़ों वाली लड़की बैठी थी, अपने पैरों को सीट के ऊपर किए और घुटनों पर अपना चेहरा रखे। चांद भी शायद किसी खौफ के मारे एक बादल के पीछे छुप गया था। बोगी के अंदर बल्ब बदस्तूर धीमा और तेज़ होकर माहौल को और भी हैबतनाक बना रहा था। मेरा पूरा जिस्म ठंडे पसीने में डूबा हुआ था और दहशत से मेरी आंखें फटी जा रही थीं। आप कौन हैं और किधर जा रही हैं? मेरे हलक से ऐसी मनमनाती आवाज़ निकली जैसे मैं खुद भी नहीं पहचान पाया। ये सुनकर वो उठी। मैं बोगी के दीवार से और भी चिपक गया। अगर मैं इस वक्त दरवाजे के पास होता तो यकीनन नताइज की परवाह किए बगैर तेज़ रफ्तार रेल से नीचे छलांग लगा देता। मुझे गौर से देखते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी और अचानक ज़ोर से हंस पड़ी। इसकी हंसी इतनी भयानक, मनहूस और बुलंद थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं एक खिजा रसीदा पत्ते की तरह काँप रहा था। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? वो गुर्राई, ये ले अपने सवालात का जवाब। जाने कहाँ से इसके हाथ में अखबार का एक टुकड़ा आ गया, जो इसने मेरी तरफ उछाल दिया, जो उड़ता हुआ शीशे से चिपक गया। फिर ना जाने इसे क्या हुआ, वो रोने लगी। इसके बैन करने में इस कदर नहुसत थी कि मेरा दिल चाहा कि वो दोबारा हंसने लगे। वो अकेली रो रही थी, मगर मुझे यूँ मालूम होता था कि जैसे हज़ारों चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयतों का विर्द करने लगा। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि गहरा सन्नाटा छा गया हो, सिर्फ अखबार की पड़फड़ाहट की हल्की सी आवाज़ आ रही थी।
मैंने डरते डरते आंखें खोलकर देखा, डब्बे में कोई नहीं था। मैंने धीरे से अखबार की जानिब हाथ बढ़ाया। मेरी आंखें तेजी से चारों तरफ जायजा ले रही थीं कि पता नहीं वो बला कहां से दोबारा नमूदार हो जाए। मेरा हाथ अखबार पर पढ़ने की बजाय शीशे की सर्द सतह से टकराया तो मैंने चौंक कर देखा, अखबार खिड़की पर चिपका ज़रूर था मगर अंदर की तरफ से नहीं बल्कि बाहर की तरफ से। हालांकि मेरी आंखों के सामने उसने बोगी के अंदर से मेरी तरफ उछाला था। खौफ के मारे बुरा हाल होने के बावजूद मैंने खिड़की के लॉक खोलकर शीशा ज़रा सा ऊपर उठाया और हाथ बाहर निकाल कर अखबार अंदर खींच लिया और सीट पर बैठ गया। फिर एक दफ़ा और बोगी का जायज़ा लेने के बाद मैंने अखबार खोला। यह अखबार आज से कोई 30 साल पुराना था। तारीख आज की ही थी, यानी 25 नवंबर की। पहले सफ़े पर सफ़ेद चादर में लिपटी एक लाश की तस्वीर थी और इसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर में जो हसीन और जमील लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही थी वो कुछ देर पहले बोगी में ही मौजूद थी। नीचे खबर ये थी, खोबरू दोशीजा की ट्रेन में पुरइसरार हलाकत। नीचे मज़ीद तफसील यूं थी, 22 साल लक्ष्मी अपने आशिक प्रदीप कपूर के साथ रामपुर से बरेली भाग रही थी। दोनों के ख़ानदान वाले इस शादी के हक में नहीं थे। घर से भागते वक्त लक्ष्मी ने अपने साथ भारी जेवरात की एक पोटली भी ले आई थी जो इसकी जवान मौत का सबब बन गई। प्रदीप कपूर ने जेवरात के लालच में आकर मौका पाकर बोगी में ही लक्ष्मी का गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मैंने पूरी खबर पढ़ी, गाड़ी में जैसे भौंचाल आ गया। पूरी बोगी तेज़ी से दाएं बाएं झूलने लगी। ऐसा लग रहा था गाड़ी पटरी से अब उतरी कि तब। मैंने सीट से लगे लोहे के डंडे को मजबूती से पकड़ लिया और तेज़ी से कुरानी आयात का वर्द करने लगा। बोगी में रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी। अचानक एक ज़ोरदार झटके के बायस मेरा सर ज़ोर से दीवार से टकराया और मैं अंधेरों में डूबता चला गया। ना जाने मैं कब तक बेहोश पड़ा रहा। थोड़े बहुत हवास बहाल हुए तो मैंने देखा सूरज खिड़की के रास्ते बोगी में झांक रहा था। मैंने पूरी तरह आँखें खोलीं तो एक और अजीबोगरीब मंज़र दिखाई दिया। ट्रेन रुकी हुई थी और बोगी बेहद गर्द आलूत और मकड़ी के जालों से पुर थी और पूरे माहौल में एक नागवार सी बू बसी हुई थी। ऐसा लगता था कि इस डब्बे की बरसों से सफाई नहीं की गई हो। मेरा सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। मैं खड़ा हुआ तो मेरे बालों में कई जाले उलझ गए। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और जालों को हाथों से हटा हटा कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। फर्श पर मौजूद गर्द की दबी सतह पर मेरे कदमों के निशानात बनते चले जा रहे थे। आखिरकार मैं बमुश्किल तमाम अपनी राह में आए हुए जालों को हटाता दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर झांकने पर मालूम हुआ कि मैं ट्रेन से कटे हुए एक डब्बे में हूं जो किसी स्टेशन से ज़रा फासले पर खड़ा है। मैं बैग संभालता हुआ बोगी से नीचे कूदा। पलट कर बोगी की तरफ देखा तो पता चला कि मिट्टी से अटा हुआ ये जंग आलूद डब्बा ना जाने कब से इसी तरह कोने में खड़ा है। खिड़कियों के बिस्तर शीशे टूटे हुए थे, कुछ फर्श भी उखड़ा हुआ था और तो और पहिए भी टूटे फूटे और टेढ़े मेढ़े थे। सुबह के 9:30 बज रहे थे। मैं आहिस्ता से स्टेशन की इमारत की जानिब बढ़ा जहां प्लेटफॉर्म पर कुछ चहल पहल नज़र आ रही थी। कुछ फासला तय करने के बाद मैंने सीमेंट के बोर्ड पर स्टेशन का नाम पढ़ा। काले रंग के बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था चंडीगढ़। और मैं ऐसे बहुत से सवालात को लिए मुंबई जाने वाली बस में बैठ गया जिनके जवाब आज 35 साल बाद भी जवाब तलब हैं। और मुझे वो लर्जा खेस वाक़यात अब भी याद आते हैं तो मेरे रोंठे खड़े हो जाते हैं और अगर मैं सो रहा हूँ तो चीख मारकर उठ बैठता हूँ।